साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। मान लीजिए अमृता जी, ये तो रोगी होने वाली नहीं है क्योंकि योगी नहीं बहन है, हमारा जोरदार अभिनंदन है इनका। मैं सुबह याद कर रहा था, मेरे से बोली स्वामी जी मैं सर्वांग आसन कर तो लेती हूं लेकिन पीछे हाथ लगाना पड़ता है, मुझे निरालंब सर्वांग आसन करना है, पिछली बार बोल रही थी। और इनको तो योग का एक्सरसाइज का इतना चार्म है, इनको यंग रहने की इतनी लगन है कि मुझे लगता है अमृता जी 100 साल तक बूढ़ी नहीं होंगी, क्योंकि ये बहुत हिसाब किताब से खाती हैं, खुश रहती हैं, जब देखो बच्चे की तरह मुस्कुराती रहती हैं। तो जैसी मुस्कान अमृता जी के चेहरे पर है, ऐसी मुस्कुरान आपके सबके चेहरे पर मैं देखना चाहता हूं। आप हैं ही बहुत खुश, खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी, वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया, अब घर जाके पहन लेना, कोई बात नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले, हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जाकर के 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई है। खैर,